जनता हेमंत सोरेन के झूठे बयानबाजी से उठ चुकी है। इस चुनाव में जनता हेमंत सोरेन वाली सरकार को दोनों सीटों में चुनाव हराकर जवाब देने का काम करेगी। यह बातें गिरिडीह के आपसी सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कही। सांसद श्री चौधरी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मोटरसाइकिल रैली निकालकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता इस बार मतदान करने वाली है। 10 महीने की हेमंत सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को ठगने का काम किया है उसका नतीजा इस चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी चुनावी हार को देखते हुए अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 महीने में राज्य सरकार ने कोई भी काम करने का काम नहीं किया और केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव का अंतिम चरण पहुंच चुका है। लगभग 3-4 दिन मात्र बचा हुआ और सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है और सभी मतदाताओं को जागरूक करना भी उद्देश्य है और NDA के पक्ष में लोग मतदान करें, इसको लेकर हमारे कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली और घर घर तक जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोगों को यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार की विफलता के बारे में लोग बता रहे हैं और झूठा आश्वासन देकर जो सरकार बनी उसके विफलता और हमारे NDA के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हुई उन उपलब्धियों को बताकर अपने पक्ष में मतदान करें। मुख्यमंत्री लगातार विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, आज भी है कल भी है, तो मुख्यमंत्री ने बीजेपी को कहा है कि लोगों को गुजरात भेजने का समय आया। देखिए, अभी उनका जो कार्यकाल रहा है अभी अपने आप को अपने विफलता को छिपाने के लिए इस तरह की अर्गलन बयाने कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी और केंद्र पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अपने कार्यकाल में अभी विफल रहे, अभी तक ट्रेजरी बंद रहा, अभी तक सारा विकास का काम ठप है। अब किस उम्मीद से आप कर रहे हैं, उन पर जनता का विश्वास उठ चुका है, इसलिए बयानबाजी इस तरह का कर रहे हैं।